का जो सम्मेलन आपने किया है, क्या मकसद था इसका और क्या बातें निकल कर आई? देखिए, जो सम्मेलन था, ये सम्मेलन जो अन्य संगठनों के सम्मेलन होते हैं वो तो ये होता है कि बेरोजगारों को रोजगार दो। हमारे से जो रोजगार से लगे हुए थे, जिनको बेरोजगार किया है, उनका रोजगार बाहर निकल गया। ऑल इंडिया जो मेट्रोपोलिटन के ज़्यादातर लोगों की जो शनाख्त है वो मांस का व्यवसाय है अधिकांश, वो चाहे मुर्ग हो, बकरा हो, फैलो हो। लेकिन पिछले दिनों सरकार ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि जिससे ये व्यवसाय बंद हो गए। समस्त प्रदेश की पशुपालाएँ जो स्थानीय निकाय की होती थी वो सारी बंद कर दी थी, मीट की दुकानें सारी बंद कर दी थी। हालत मजबूरी आपने देखा होगा, मार्च अप्रैल 2018 में हम लोगों ने आंदोलन करा, हमने प्रदर्शन करे, तब सरकार से बात हुई, मुख्यमंत्री जी से बात हुई, तो कुछ दुकानें खुली। लेकिन अभी भी प्रदेश के अंदर कोई भी पशु वधशाला, हम कहते हैं मॉडर्न पशु वधशाला बनाइए, आधुनिक बनाइए, जो मानक से, जो प्रदूषण मुक्त हो, वो आप पशु वधशालाएँ बनाइए, वो बनाने का काम आप करें। लेकिन इस सरकार ने कानून ही बदल दिया, उसने कानून ये बदल दिया कि पहले स्थानीय निकाय प्रॉपर्टी होती, अब ये जो चाहे वो बना लो और कलेक्टर उसकी NOC दे, कलेक्टर NOC देते नहीं है, तो प्राइवेट लेवल पर तो बन नहीं रहा, पब्लिक सेक्टर आपने बंद कर दिया। तो ये लोग जो है बेरोजगार हुए लाखों की तादाद में, और लोग मांसाहारी से और उत्पीड़न हो रहा है। प्रत्येक जनपद के अंदर प्रशासन, पुलिस प्रशासन इतना उत्पीड़न पूरे इलाके का करती है, कई अवैध कटान के नाम के ऊपर, कई बगैर लाइसेंस के ऊपर, जो वैध धंधा था उसको इस सरकार ने अवैध कर दिया। तो अब ये जो मौसम आ रहा है, तो हमने ये तय किया इस अधिवेशन में कि हमारी यूथ इकाई भी है और जिला शहर के सहायक अध्यक्ष हमारे आए हैं आज प्रदेश भर के, कि हम प्रदेश स्तर पर इसके लिए आंदोलन करेंगे। मार्च और अप्रैल का महीना जो हमारा होगा वो हमारा आंदोलन का होगा, लोग चुनाव में लगे ना लगे हम अपना रोजगार बहाली की लड़ाई लड़ेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अप्रैल के महीने में उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। और हम ये आंदोलन तब तक करेंगे तब तक ये तमाम जो जमातें हैं, सियासी पार्टियाँ हैं, हमारी आवाज़ को, हमारे व्यवसाय को बहाल ना करें। इसमें साहब, क्या आपकी जो मांग है वो लोकसभा चुनाव अभी करीब है, तो आप किसी राजनीतिक पार्टी को ये दबाव बनाएंगे या उनसे गुजारिश करेंगे कि आपका जो मुद्दा है वो अपने चुनावी एजेंडा में शामिल करें? नहीं, हमारा तो सारी राजनीतिक पार्टियों से है कि भाई हक और इंसाफ की अगर बात आपको करनी है और बेरोजगारी को रोजगार आपको दिलाना है, तो हम तो हर पार्टी वाले से कह रहे हैं कि चुनाव का वक्त है, आप हमारे जो व्यवसाय बंद करा है हमसे वादा कीजिए। और हमारी जमात के अंदर सारी सियासी जमातों के लोग हैं, ऐसा नहीं है सब, क्योंकि जितने भी हमारे जिला सदर है उसमें पार्टी की कैद नहीं है। हमारा जो है नॉन पॉलिटिकल है, राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, बिरादरी के लिए संगठन है। लेकिन एक खूबी की बात है, जब हमारे व्यवसाय की बात आएगी, चाहे वो हमारी बिरादरी में सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, बीजेपी के भी रमजान कुरैशी बिजनौर के हमारे अध्यक्ष आए हुए हैं जो अकलियती मोर्चे बीजेपी के, तो बीजेपी के लोग भी हैं, तो हम तो ये कि वो आवाज़ अपनी अपनी जमातों में भी उठाएंगे और पूरी बिरादरी की आवाज़ उठाएंगे, ताकि वो हर पार्टी पर दबाव बनाएं कि जो 1 करोड़ से ज़्यादा की तादाद उत्तर प्रदेश के अंदर कुरैश बिरादरी की, कम हो गए 6 करोड़ की तादाद उत्तर पूरे अयोध्या में बिरादरी की, कुरैश बिरादरी की, जिसको किसान का दर्जा मिलना चाहिए था। पिछले दो UPA 2 ने, UPA 1 ने हमारी मीट बोर्ड का गठन किया था ताकि इन व्यवसायों को, अब वो जब जी सरकार आई है केंद्र के अंदर, हमारा मीट बोर्ड भी बंद कर दिया गया, जबकि भारत सरकार ने मीट बोर्ड बनाया था ताकि मांसाहारियों को स्वस्थ और ताज़ा मांस मिल सके, और व्यवसायिक लोगों को जो दिक्कतें परेशानी वो दूर हो सके। जो राष्ट्रीय स्तर पर मीट बोर्ड बनाया था वो भी निष्क्रिय कर दिया गया। तो हमारा मुतालबा ये है कि सरकार या पार्टियाँ, हमारे जो बेरोजगार कर दिया गया है उस रोजगार को बहाल किया जाए, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। कोई आपने राज्य सरकार या केंद्र सरकार को कोई मांग पत्र अपने कोई? हाँ, मांग पत्र हमने छापा दिया, मांग पत्र दिया भी है, और हमने मांग पत्र जो दिया है वो मांग पत्र हमने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को बनफ से नफीस दिया है, मिलकर दिया।
और सिद्धार्थनाथ सिंह को उन्होंने डिप्यूट किया था कि आप इस संगठन से बात कीजिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सिद्धार्थ जो स्वास्थ्य मंत्री है, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने कई मीटिंगें हमारी उनसे हुई, उन्होंने फिर मुलाकात कराई हमारे संगठन की मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी के सामने हमने ये कहा कि ये लोग मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, इस व्यवसाय को आप बंद करके आप बड़े बड़े पूंजीपतियों को उद्योगपतियों को देना चाहते हैं और मांसाहार के साथ साथ इसके अंदर और इंडस्ट्री भी जुड़ी हुई है। हमारी लेदर इंडस्ट्री है, कौन लेदर इंडस्ट्री है, कौन पैंट के अंदर बेल्ट जो है वो रबड़ की डालने, कौन जूता जो है रबड़ की चप्पल या खड़ाऊ पहनने लगेगा, बेहतरीन शू चाहिए, बेहतरीन लेदर चाहिए, जैकेट बनती है, बेल्ट बनती है, टूथपेस्ट बनता है, हड्डी से हड्डी का चूरा तो हेड बनते हैं, और इसके अलावा बोन बोन से और आंत जो है आंत जो बिफेलो की आंत है उस आंत से वो धागा बनता है जिससे ऑपरेशन के बाद में टांके लगते हैं। पहले कॉटन के टांके लगते थे सर्जरी के बाद में, आज कॉटन के टांके नहीं लगते क्योंकि पहले काटना पड़ते थे, आज कॉटन के टांके नहीं लगते, जो भैंस की आंत होती है उसका धागा बनता है और तमाम जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने नर्सिंग होम हैं, जितनी सर्जरी होती है उसके अंदर जेंसन एंड जेंसन कंपनी बड़े पैमाने के ऊपर भैंस की आंत का धागा उपलब्ध कराती है तमाम मेडिकल, तो ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी, तो कहाँ ले जाना चाहते हो देश को? मंत्री से क्या जवाब मिला आपको? क्या मंत्री ने हमें ये कहा था कि आप अपनी दुकान पे कीजिए, हम आप वो बनाएंगे सलाहकार राहुल साधु, लेकिन हम अफसोस की बात यह है कि आज तक पूरे प्रदेश के अंदर कोई आधुनिक सलाहकार हाउस सरकार की तरफ से नहीं बनाया गया ताकि दुकानों पर मांस आ सके आसानी के साथ, और जो बिरादरी के लोग, जो कुरैश बिरादरी हर जिले के अंदर कहीं 1000 दुकान है, कहीं 800 दुकान है, कहीं 900 दुकान है, कहीं 55,000 दुकान है, और वो सारी दुकानें जो है, यूसुफ साहब बड़ा अच्छा मौका है आपको अपनी मांग मनवाने का, भी चुनाव है तो क्या कुछ क्या कार्रवाई करेंगे आपकी तरफ से कि सरकार पर थोड़ा दबाव बने कि आपकी जो मांग है इस चुनाव में पूरी हो जाए? हाँ, मैं उम्मीद ये है कि सरकार हमारी बात माने, और जितने ये लोग बेरोजगार हुए, सरकारों का काम तो ये होता है कि अपने प्रांत में या राष्ट्र में जो बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार युवक हैं, जो किसान के नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जाती है, ओला पड़ जाता है, किसान का फसल खत्म हो जाती है तो उसको जो है भरपाई की जाती है, लेकिन आपने इनका व्यवसाय बंद कर दिया, कोई अपना अल्टरनेट नहीं है भाई, आप एक काम बंद कर दो, दूसरा व्यवसाय वैकल्पिक व्यवस्था कर दो, आप वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की, सबको बेरोजगार कर दिया, तो हमारा मुतालबा कोई नया नहीं है, हमारा मुतालबा ये कि जो बेरोजगार कर रहे हैं उनका रोजगार बहाल कर दो आप, और जो मानक कहता हो, हम ये भी नहीं कहते कि जो करते हुए आ रहे थे, जो प्रदूषण बोर्ड का मानक कहता हो उस मानक के अनुसार हमारा कार्य करा दो, ऐसी पशु पाठशाला बना दो। आज राजधानी लखनऊ के होटल मेजबान में ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश का प्रांतीय सम्मेलन किया गया। सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष यूसुफ ने अपनी मांगों को लेकर योगी सरकार से मुतालबा किया है। अब देखना है योगी सरकार की मांगें कब तक पूरी कर पाती है। कैमरा मैन अनिल तिवारी के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, प्रेस मैन लखनऊ।